इंस्पेक्टर, कुछ पता चला किसने गोली चलाई? नहीं सर, अभी तक तो उस चोर का कोई पता नहीं चला जिसने अनुराधा मैडम पर गोली चलाई। हर जगह देखा, चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जिस गुंडे को हमने पकड़ा था वो तो अपना मुंह भी नहीं खोल रहा है, मार मार कर उसकी हालत भी खराब कर दी, लेकिन वो अपने मालिक का नाम ही नहीं बता रहा है। वो चाहे अपना मुंह ना खोले, लेकिन हमने आपको बताया ना कि सिद्धार्थ और मोहिनी ने उन्हें पैसे दिए थे और उन दोनों ने ही अनुराधा मैम की किडनैपिंग कर रहे हैं। मैडम, हमारे पास सबूत नहीं है ना, हम क्या कर सकते हैं? एक तो गुंडा अपना मुंह नहीं खोल रहा है, ऊपर से अनुराधा मैडम सीरियस है, अब वो बच जाए तो कुछ पता चले। मेरे पास सबूत है। दरअसल मैंने सिड के कमरे में कैमरा लगवाया है, उसके फुटेज से आपको पता चल जाएगा कि सिड और मोहिनी दोनों मिले हुए हैं। और अनुराधा ने खुद कृष्णा के सामने ये कहा है कि मोहिनी ने किडनैप कराया उनका। लेकिन सर, उन्होंने हमारे सामने तो नहीं बोला ना, तो उनकी गवाही कोई मायने नहीं रखती है। आप मुझे वो लैपटॉप दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप घर चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको सारी फुटेज। डॉक्टर, कैसी अनुराधा मैम? ठीक है ना? बच जाएगी ना वो? अभी कुछ कह नहीं सकते, वो अभी भी क्रिटिकल है, गोली उनके सर के काफी अंदर तक गई है। ऑपरेशन करके भी हम बुलेट शेल को निकाल नहीं पाए और अभी ऑपरेशन को रोकना पड़ा है, क्योंकि उनका शरीर अभी इतने बड़े ऑपरेशन के लिए सक्षम नहीं है। पर वो ठीक तो हो जाएंगे ना, जान बच जाएगी ना उनकी? कुछ कह नहीं सकते हैं, वो अभी भी कोमा में है। अभी हम कुछ समय देखेंगे, अगर उनकी बॉडी कुछ रिकवर करती है तो हम दोबारा ऑपरेशन करेंगे। डॉक्टर साहब प्लीज, मैं आपके आगे हाथ छोड़ता हूँ, प्लीज अनुराधा को बचा लीजिए, प्लीज डॉक्टर साहब। नमित, प्लीज नमित, 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 डोंट वरी, बस हम पूरी कोशिश करेंगे। नमित, नमित, प्लीज रिलैक्स, ओके? डॉक्टर कह रहे हैं ना कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। माफ कीजिएगा सर, ये सही समय नहीं है बात करने का, तो क्या करें सर, हमें हमारी कार्रवाई पूरी करनी है। आप हमें उस लैपटॉप की फुटेज दिखा सकते हैं? अब क्या होगा, अनुराधा मैम ने तो कृष्णा को बता दिया कि मैंने उन्हें किडनैप किया था, अब पुलिस किसी भी वक्त आती होगी हमें अरेस्ट करने के लिए, अब हम क्या करेंगे? मैं तो कहती हूँ चलो कहीं भाग चलते हैं, सारी प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगे, हम ना अपनी न्यू लाइफ शुरू कर देंगे और शादी कर लेंगे। अरे यार, शादी शादी शादी, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम में, इतनी टेंशन में सिर्फ शादी की पड़ी है यार? तुम्हें आइडिया है, तुम्हारी वजह से मैंने किसी पे गोली चला दी है, आई एम ब्लडी किलर नाउ, और कहाँ जाएंगे भाग कर? हाँ, तुम क्या चाहती हो कि मैं सबको छोड़ छाड़ कर, अपना एक घर, पैसा, प्रॉपर्टी, सब ऐशो आराम छोड़कर तुम्हारे साथ कहीं पे भाग जाऊं बस, क्योंकि तुम्हें मुझसे शादी करनी है? तुम्हारा दिमाग खराब होगा मोहिनी, मेरा नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, और प्लीज बंद करो ये डरना और ये शादी का राग गाना, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। What? मेरी वजह से? हेलो, मैंने कहा था तुम्हें अनुराधा पे गोली चलाओ, मैंने कहा था अनुराधा मैम को किडनैप करो, ये सब ना तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा प्लान है, भूलो मत, तुम लाए थे मुझे यहाँ लंदन से अपने मतलब के लिए। तुम जो भी कर रहे हो ना, आर्यमन की प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हो। हाँ हाँ, तुम तो बड़ी सती सावित्री हो ना, ये सब कुछ मेरे मतलब के लिए हो रहा है, तुम तो यहाँ पे दान पुण्य करने आई थी, अपने पाप धोने के लिए आई थी, राइट? बोलो नहीं, तुम्हें भी बदला पूरा करना था अपना आर्यमन और कृष्णा से, और मैं तो कैसे भी बच जाऊंगा, फंसेगा कौन? तुम। अनुराधा मैम ने ना कृष्णा के सामने तुम्हारा नाम लिया, मेरा नहीं। हाँ, लेकिन मैं तो ले सकती हूँ पुलिस के सामने तुम्हारा नाम। तो मेरे साथ धोखा करने की या डबल क्रॉस करने की ना कोशिश मत करना, करना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मुझे तो जेल हो जाएगी, लेकिन तुम्हें फांसी होगी। अरे यार, तुम तो छोटी छोटी बात पे ऐसे गुस्सा हो जाती हो यार। मैं बस ये कह रहा था कि अनुराधा मैम सिर्फ तुम्हें जानती है, बस सब कुछ सही चल रहा था, सब चीजें हमारे कंट्रोल में थी, सिर्फ एक कदम दूर थे हम अपना मकसद पूरा होने से। एक बार मकसद पूरा हो जाता तो करते ना हम शादी, वो भी बड़ी धूमधाम से। पर पता नहीं ये बीच में अनुराधा मैम कहाँ से आ गई, सब काम खराब कर दिया उन्होंने। वो तो अच्छा है कि हमें किसी ने वहाँ पे देखा नहीं, और अनुराधा मैम ने पुलिस के सामने गवाही नहीं दी, नहीं तो आज हम जेल में होते। जेल में तो हम अभी भी जा सकते हैं, अनुराधा मैम ने कृष्णा और नमित को तो बता दिया कि हमने उसे किडनैप किया था। पुलिस को जब शक हो जाएगा वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी, हमारी एक छोटी सी गलती भी हमें फंसा सकती है सिद्धार्थ। देखो, टेंशन तो है पर उसके पास कोई प्रूफ नहीं है अभी, उसने हमें गोली मारते हुए देखा नहीं है, और ना ही वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरास थे, तो नमित और कृष्णा क्या, अनुराधा भी अगर ये बोलेगी
तो पुलिस मानेगी नहीं, पुलिस सिर्फ सबूत पे यकीन करती है। आर यू श्योर सिद्धार्थ? मुझे तो अभी भी डर लग रहा है, मैं तो कह रही हूँ चलो ना कहीं भाग चलते हैं यहाँ से। नहीं ना, अगर भागे गए तो सबको लगेगा कि हम गुनेगार हैं। लेट्स एक्ट कॉन्फिडेंट, ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। पहले भी लोगों को बेवकूफ बनाते आए हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। ऐसे एक्ट करो जैसे हम कुछ जानते ही नहीं है। पर आर्यमन ने जो तुम्हारे कमरे में कैमरा लगाया उसका क्या? कृष्णा जेल से छूट गई? कृष्णा घर आ गई, आप हैरान लग रही हैं। खुश नहीं है क्या? नहीं नहीं, मैं क्यों खुश नहीं होंगी? कृष्णा जेल से छूट गई? ऑब्वियसली छूट जाएगी। जब कोई गलत करता नहीं है तो जेल में रहने का कोई मतलब भी नहीं है। देखिए, जिसने गलत किया है सजा उसी को मिलनी चाहिए ना। जिसने गलत किया है उसको भी मिलनी चाहिए, और जिसने गलत का साथ दिया है उसे भी सजा मिलनी चाहिए। हिसाब सबका होना चाहिए बेसिकली। कृष्णा, कृष्णा कितना अच्छा लग रहा है तुझे देखकर। अच्छा वो तो घर वापस आ गई। कान्हा जी ने हमारी प्रार्थना सुन ली। कृष्णा तो यार नहीं थी ना, तो पूरा घर उदास था बेटा। सच में किसी काम में दिल ही नहीं लगता था, न सोने में, न उठने में, न बैठने में, न खाने पीने में, बस हमेशा तेरा ही ख्याल रहता था। कृष्णा लेकिन तुम छुट्टी कैसे, क्योंकि पुलिस ने तो बहुत सारे सबूत दिखाए थे तुम्हारे खिलाफ। दरअसल जब अनुराग सर मैम का कॉल आया था तो नमित जी मेरे साथ ही थे। प्लीज मुझे बता दो नमित, मुझे मोहिनी ने किडनैप कर लिया है। नमित मोहिनी अनुराधा को गोली मार दी, किसने? ये तो पता नहीं चला माँ, हमें बस इतना पता चला है कि अनुराधा को किडनैप मोहिनी ने किया था, तो हो सकता है कि गोली भी उसने चलाई हो। या फिर किसी और को कहकर चलवाई। मोहिनी ने ये सब क्यों किया? अब सिर्फ हमें मोहिनी का सच सबके सामने नहीं लाना है, बल्कि उसके साथी को भी पकड़ना है और दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी है। मैं चाहता हूं कि जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहे दोनों। ये अचानक तुझे क्या हो गया? हिचकी है? अचानक ही आती है। शीतला मैडम को भी गोली चाहिए। पागल है क्या? क्या बकवास कर रही है? मुझे कोई क्यों गोली मारेगा? अरे नहीं मैडम, आपको सर दर्द था ना, तो हम तो सर दर्द के गोली की बात कर रहे थे। अरे धनिया, पानी और दवाइयां ले आना जल्दी से। मोहिनी ने अनुराधा मैम के साथ जो भी किया उसके लिए तो उसे सजा जरूर मिलेगी। अब तो ठीक है ना? शुक्र है। ये मोहिनी पकड़ी गई तो सिद्धार्थ भी पकड़ा जाएगा। वो चालाक लोमड़ी अपने साथ साथ मेरे बेटे को भी लेकर डूबेगी। कितना समझाया था सिड को, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। अब क्या करूं?